ऑल सेटअप कंप्लीट। गणपति बप्पा हर हर महादेव। तो हमारी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम अपने एक दोस्त को लेने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से दोस्त को लेंगे, और इधर मेरा एक बुलेट वाला भी दोस्त खड़ा है तो उसको भी लेते हैं। और पहले हमको पेट्रोल फिल करना है, पेट्रोल फिल करके फिर निकलेंगे। तो कंफर्टेबल है ना बैठने में? हर हर महादेव। और वो फाइनली आ चुका है। जब हम गोवा जाने वाले थे तो इसका यही नाटक था, 2 घंटे रुक पाता है, लेकिन ये अच्छा किया कि इसने पैंट अच्छा पहना है। बूट और पैंट का मैचिंग, वाह भाई। हर हर महादेव। तो बस अभी मेरा एक भतीजा है वो मिलने को आने वाला है, उसको थोड़ा रोकरा देना है मेरे को बाबा केदारनाथ को प्रसाद चढ़ाने के लिए, और मिलना भी चाहता है मेरा, एक दो फ़ोटो लेना चाहता है अपने इंस्टा पर डालने को। मैं बोला आ जा भाई। वैसे भी अपने इस बार फेमस हो जाएंगे केदारनाथ के राइड पे, और हो सकता है मैं पिस्टर को बहुत लोग जानने वाले हो जाए। ये एक सब्सक्राइबर मिलने आया हमसे, और ये चूँकि हमारा फ़ैन है तो सेल्फी ले रहा है हमसे, और एक और सब्सक्राइबर इधर है, दोनों मिलने आए तो बढ़िया है, मिल के अच्छा लगा। एक मीटिंग पॉइंट रखा था यहाँ पे, अभी डायरेक्ट कामरे चौकरे पे मिलते हैं। ऐसा लगता है हमको कि समय आ गया है पेट्रोल डालने का, क्योंकि कल से मेरा बाइक रिजर्व में चल रहा है, तो मैं थोड़ा रिस्क, पहला दिन ही रिस्क लेना ही लेना चाहता हूँ। और ये रहा मेरा सामने अभी इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, तो यहाँ पर पेट्रोल डलवा ही लेता हूँ मैं और टंकी फुल करवा लेता हूँ। ऐसा रहा तो कामरे में भी एक हॉल्ट लेंगे ही, टी ब्रेक। हम अभी तक सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं, और यहाँ से कामरेज ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। भाई तू थोड़ा संभल कर रहना और मोबाइल में थोड़ा कम ध्यान देना। हाँ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है तू। पहला टोल प्लाजा, और कितना भीड़ है देखिए टोल प्लाजा पे, आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बाइकर है, हमारे लिए तो बहुत रास्ते होते हैं, तो हम ये पीछे गली से ऐसे धका धक निकल जाएंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। तो अभी आपको थोड़ा हाईवे दिखाते हैं कि हमारा नेशनल हाईवे 48 जो भारत का सबसे बिजी हाईवे है वो कैसा दिखता है। ये 3 लेन हाईवे है, 1 साइड 3 लेन, दूसरे साइड 3 लेन, 6 लेन हाईवे है, और बहुत ही बढ़िया, लेकिन बीजी बहुत है बेंच इस पर ट्रक। अभी हम कंटिन्यू चलाएंगे बाइक 3 घंटा, 8 बज रहा है, 2 घंटा 10 बजे तक चलाएंगे। 10 बजे हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम बड़ौदा पार कर चुके होंगे। हो फाइनली हम अपना पहला स्टॉप ले रहे, और 7:45 को हम सूरत हाईवे से निकले थे, मतलब सूरत सिटी को छोड़ देते, और अभी 12 बज रहे, यानी कि लगभग 4.25 घंटे हुए। 4.25 घंटे से ड्राइव कर रहे, थोड़ा हॉट ले रहे भले ही। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय पिस्टर। मेरा नाम है निशांत, और भोले बाबा के दरबार के लिए जाने के लिए हम निकल गए। बी प्रिपेयर फॉर अ मेमोरेबल राइड एंड एंजॉय विद भोले बाबा के दरबार, और हमारे साथ बने रहे केदारनाथ की यात्रा में, बहुत मज़ा आने वाला है। हम सुबह से निकले थे 7 बजे और कंटिन्यू राइड कर रहे हैं 4 घंटा, ऑलमोस्ट 8 बजे के निकले होंगे। और हमने अभी एक रिफ्रेशमेंट लिया है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया खाना यहाँ पे था, और यहाँ पे खाना खाया। अभी 10-15 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद वापस से निकलने वाले उदयपुर के लिए। चलो गाइस, तो निकलते हम 12:15 बजे पहुँचे थे रिफ्रेशमेंट करने के, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया था, और अभी 1 बज रहे हैं।
तो 1 घंटे का पश्चात हम निकल रहे हैं। 1 घंटे का हॉल्ट भी जरूरी था खाना खाने के बाद, जो बात है। हर हर महादेव। तो फाइनली हम रिफ्रेशमेंट करके निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर, केदारनाथ की ओर, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कितना मज़ा आने वाला है हमको इस सफर में। और चूँकि ये हाईवे है नहीं, जो भी हाईवे छोटा हाईवे है, वन वे है, मज़ा नहीं आएगा इसको चलाने में उतना। सूरत से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर हम लोगों ने अभी तक सफ़र तय किया है, और पसीना बहुत जा रहा है। हाँ, फ्यूल रिफिल करवाने का टाइम है। ये मशीन है, आप देख पा रहे हो, ये हवा भरने का मशीन है। हाँ, EMI का एयर ब्लोअर है, लेकिन इसका चार्जिंग ख़त्म हो गया है, तभी इसको पावर बैंक के EMI के पावर बैंक में ही चार्ज में लगाया है। तब तक हम मैनुअल वाले से काम चला रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी पाइप फट गया था, तो जब हवा भरने का ट्राई किया तो बेंच इधर का वो लकड़ी पावर से दाबने वाला था, वो भी टूट गया। हमारा गाड़ी पंचर हो गया था, अभी हमने पंचर बनाया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पंचर पंचर का लगाया है, लगा हमने खुद से बनाया, पंचर किट मंगाया था। तो और ये मेरा गाड़ी है और शुभम का, उसके में भी एक पंचर निकला था। तो अभी हवा भरने का मिलकर सब दोनों गाड़ी का पंचर बनाया है, और अभी हवा भर, हाँ, दोनों में एक एक पंचर निकला था। हो, इतने थकान और लंबे राइड के बाद फाइनली हमको होटल मिल गया है, और पता नहीं क्यों लेकिन थका थका फील कर रहा हूँ। मैं गोवा राइड पे गया था तो इतना नहीं थका था। इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो मैंने 3 किलो का जैकेट और 3 किलो का पैंट पहन रखा है ना, इससे मेरा कमर अकड़ गया है। ठीक है, चलता है। ये देखिए, ये होटल है, बहुत शानदार होटल है। यहाँ पर हमने रूम बुक किया है, 900 रुपये लिया है। ये आप उदयपुर में एंटर करोगे तभी, ये देखिए, ये आपको मीनार दिख रहा है ना, इसके जस्ट सामने, ये बाजू में ही है। तो आप भी कभी उदयपुर आओ तो ये होटल बुक कर सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। और ये होटल हमने बुक किया है, काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ से होटल का। और अंदर ये देखिए आप, स्विमिंग पूल भी है। ये देखिए, अच्छा होटल है। हमने अपना बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया है। ये मेरा बाइक, ये